इसमें हार क्या है, तो आई ओपनली चैलेंज यू। क्या बोल रही थी? ये वाला मेरे पास आई शेडो पैलेट है, सो हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज है 75 हार्ट का थर्ड डे, सो आई एम सो एक्साइटेड। अभी तक सब सही चल रहा है, ओके चल रहा है। मैं अपने आप को भी टाइम दे पा रही हूँ, मैं स्टडी भी कर पा रही हूँ, मैं अपना मेकअप रूटीन भी फॉलो कर पा रही हूँ। सो स्टिल अभी तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है एकदम। मुझे करना है अपना रूम क्लीन, ये भी एक टास्क ही लगा लो मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कमेंट कर करके बड़े अजीब अजीब सी चीजें बोली, यार इसमें हार्ड क्या है। एक मुझे शायद मेरा फर्स्ट डे था या सेकंड डे था, मुझे कमेंट रिसीव हुआ था, इसमें हार्ड क्या है, आपने 75 हार्ड चैलेंज लिया है, सो इसमें हार्ड क्या है। तो आई ओपनली चैलेंज यू, जिन्होंने भी कमेंट किया था, अगर आप मेरी अभी ये वाली वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सीरियसली ओपन चैलेंज दे रही हूँ कि जो मैं डेली बेसिस पे कर रही हूँ, आप प्लीज ओनली फॉर वन वीक वो चीज करके दिखाइए तो मैं अपना चैनल डाउन कर दूंगी बिल्कुल। मतलब सब कुछ A to Z जो मैं करती हूँ आप वन वीक के लिए करके दिखाइए, ठीक है। और अगर आपको वो हार्ड नहीं लगता है सो मैं अपना चैनल डाउन कर दूंगी, आई एम रेडी फॉर डाउन माई चैनल। सो स्टिल बातें तो होती रहेगी, अब करना है हमें हमारा काम। सो फटाफट से चलते हैं काम करने के लिए। मैंने आज हेयर वॉश किया था और हेयर वॉश के बाद की कंडीशन बहुत गंदी है, क्योंकि अभी मैंने इनको कोम नहीं किया है स्टिल। सो इनकी कंडीशन देखिए, मेकअप का पार्ट डे 3 है, सो मेकअप में भी देखते हैं आज कौन सा ट्यूटोरियल हमें सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। सो स्टिल वो भी सीखना है, तो फटाफट से मैं रूम क्लीन कर लेती हूँ। सो मैं नहा धो के और हर्ष को नहला के ले आई थी, और फटाफट से मॉर्निंग वाला जो रूटीन था वो मैं पहले फॉलो कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने वो शूट नहीं किया डेली का एक ही, आप लोग बोर हो जाओगे देख देख कर। उसके बाद मंदिर जाने से पहले मैंने चाय चढ़ा दी थी, और मंदिर से आने के बाद यहाँ पर गोलू रेडी हो चुकी थी ऑलरेडी, और ये खा रही थी एप्पल। मॉर्निंग में एप्पल खाना अच्छा होता है, तो मैं इसको मॉर्निंग में कभी एप्पल कभी बनाना दे देती हूँ। और चाय भी बन चुकी थी ऑलमोस्ट, तो हम लोगों ने फिर पी चाय, और ये सब खा रहे हैं फैन, और मैंने चाय के साथ आज खाया था सैंडविच, और फिर बस। और फिर उसके बाद यहाँ कोशिश जारी है हर्षू को सुलाने की, हर्षू को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, फटाफट से पानी का टास्क शुरू करते हैं यहीं से। इसी के साथ अपना जो वार्म अप है वो भी शुरू करते हैं, ये झुक झुक के बर्तन उठाने के साथ साथ मेरा वार्म अप शुरू हो गया है। डंबल से भारी कंबल उठा उठा के इनको सुखाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत ज़्यादा वेट है मेरे कंबलों में। उसके साथ साथ ये इतना सारा रूम क्लीन करना, तो मतलब कि एक्सरसाइज मेरी पूरी हो जाती है। आई डोंट थिंक इसके बाद मुझे कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लड़कों को लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बट यार 2-4 दिन करके देखो भाई, तुम्हें जब पता चलेगा कितना ईजी है कितना नहीं है, ठीक है। तो फिर इसी के साथ अब बेडशीट करनी है क्लीन, तो बेडशीट को भी झाड़ूंगी, पता नहीं कितने चक्कर लग जाते हैं, रनिंग करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी के साथ हाथों की एक्सरसाइज मेरी अब हो जाएगी, क्योंकि अब लगाने हैं मुझे बर्तन, बर्तन लगा लगा के पूरे हाथों की अप डाउन सारी एक्सरसाइज होगी, कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती है भाई, बहुत ज़्यादा काम होता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। स्टेयर्स मारने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरी एक किचन नीचे है और एक किचन ऊपर है, तो उसमें चक्कर काटते काटते ही मेरे बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज हो गई है यहाँ मेरी कंप्लीट, अब चलते हैं आउटडोर एक्सरसाइज करने। तो मैं गई हूँ स्कूटी लेकर गोलू को लेने के लिए, ये भी एक आउटडोर जाना था, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज, तो चलो अब चलते हैं घर। सो गाइस मैं आ गई हूँ अपना फटाफट से आज का एक और टास्क पूरा करने, जो आज मैंने सीखा है वो सब पूरा करने के लिए। सो स्टिल मैंने सीखा है बहुत कुछ जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो कल हमने बेस मेकअप सीखा था, कॉन्टोरिंग करना मैं आपको कल सिखाऊंगी, कॉन्टोरिंग हाइलाइटर ब्लश वो सब मैं आपको 1 या 2 दिन के बाद सिखाऊंगी, ठीक है। सो आज स्टिल हम लोगों को करना है आई मेकअप, बिगनर्स के लिए आई मेकअप करेंगे, बहुत ही सिंपल। मैंने जो देखा है मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी तरफ से बेस्ट करने का। सो स्टिल बिगनर्स के लिए आई मेकअप करेंगे, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो फॉर दैट हम लेंगे सबसे पहले अपना आई शेडो पैलेट, और ये मेरा आई शेडो पैलेट आप लोग देख सकते हो, ये वाला मेरे पास आई शेडो पैलेट है,
ठीक है, मॉर्फी का, और ये काफी सही है। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, ये देखो कितने सारे शेड। सो दीज आर द शेड्स जो कि हम मतलब बहुत सारे शेड है मेरे पास। ग्लिटरी शेड्स है नहीं मेरे, मतलब शिमरी शेड्स है पर ग्लिटर वाले मेरे पास है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो पिक करने वाले हैं, वी हैव टू पिक, कोई भी ले सकते, ग्लिटरी ग्लिटरी, दिस वन दिस वन दिस वन वी हैव टू पिक। ओके, तो हमने ब्रश ले ली है और ब्रश पे हम इस तरीके से दिस। ओके देन क्लोज योर आईज लाइक दिस, इनर कॉर्नर पे आपको इसको ऐसे अप्लाई करना है। वन देन यू हैव टू अप्लाई सेकेंड शेड, ठीक है, विद आई एम गोइंग टू विद दिस दिस ऑरेंज वन। हो गई है हमारी। देन वी हैव टू पिक अप थर्ड शेड, थर्ड शेड विच आई एम गोइंग टू यूज इट विद दिस वन, दिस शेड आई एम गोइंग टू यूज। इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट है तो हम ओके यूज दिस शेड। विच वन यू लाइक यू हैव टू पिक इट अप लाइक दिस देन। Done. Now we have to blend it. Brush आप लोग देख सकते हो और आपको इसको blend करना है like this. This blue half and liner I'm going to use. So simple liner लगाना है। So now we apply this liner और इसको बंद कर देते हैं। Then we take mascara और ये simple eye look, मैंने और कुछ makeup किया नहीं है वैसे recent में। अब मैं लेने वाली हूँ mascara, this one is from blue heaven again and wow यार मस्त लग रहा है। So this is full of my eye makeup. मैं आप लोगों को इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। So आप इस मेकअप को ट्राई कर सकते हो, सिंपल आई मेकअप है, विद इन सेकेंड्स आप इसको कर सकते हो। और मेरा फेस थोड़ा सा अधूरा लग रहा है विदाउट एनी बिंदी। सो आज का मेकअप ट्यूटोरियल यही खत्म करते हैं। इफ हुआ मैं लोगों की हालत दिखा देती हूँ, जिन लोगों को लगता है क्या मेहनत है भाई, ये मेहनत है भाई, इतने में शूट कर रही हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो, इतने मैंने शूट किया, मेरी बेटी ने सारा काम मेरे लिए बढ़ाया हुआ है। तो गाइज इसके बाद मैं आ गई थी बाहर देखने के लिए बाहर क्या चल रहा है। तो आज है गली में कीर्तन, श्याम बाबा का कीर्तन है, तो यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ। और गोलू और बच्चों के तो मज़े हो गए, और इनको देखो मैंने रेडी करा कर लेकर आई और ये दोनों खा रहे हैं यहाँ पर चावल। कान्हा जी को देख लो भूख लगा रहे हैं दोनों बैठ के, किसने अजीब ही तरीके से मतलब खा रहे हैं। ये कहते हैं कान्हा जी इसी तरीके से ज़मीन पर बैठ के खाते हैं, हमने देखा नहीं पर जितनी भी कथाओं में और सब में सुना इसी तरीके से बैठ के खाते हैं। तो हमारे कान्हा जी यहाँ बैठ कर लगा रहे हैं भोग, वो लगाते हैं माखन मिश्री का और ये लगा रहे हैं चावलों का। इन दोनों को वैसे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। सो स्टिल इसके बाद आ गई मैं भागवत पढ़ने के लिए। भागवत पढ़ने के लिए तो यहाँ पर लिखे हैं ये सब वर्ड्स जो कि आज मैंने सीखे हैं भागवत में। ये मेरे लिए इसी टाइम करना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद हमें भी करनी थी कीर्तन की तैयारियाँ। सो स्टिल फटाफट से मैंने यहाँ पे भागवत पढ़ ली अपनी और अपना ये टास्क भी कंप्लीट करा। सो गाइस मैं जस्ट खाना बना के आई हूँ और आज हमारे मतलब गली में है जागरण। सो
स्टिल मुझे होना है रेडी, मैं जाती हूँ नहाने के लिए। बाहर ऑलमोस्ट सब कुछ तैयारी हो चुकी है, स्टार्ट हो चुका है, खाना वाना मैं बना के जस्ट अभी आई हूँ। वो लोग पापा आएंगे तो हम लोग खाना खा लेंगे, सो स्टिल मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए, नहा धो लेती हूँ, देन फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। सो इसके बाद हम लोगों ने खाया है यहाँ पर खाना, आज खाने में है आलू टमाटर की सब्जी है, रोटियाँ हैं और दूध था। ये मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, दोबारा नहाई हूँ भाई, सुबह मॉर्निंग में नहा ली थी। और तुम भी दर्शन कर लो बाबा के, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ, सब अच्छे लिए अच्छे आशीर्वाद मांग लेना बाबा से, हमारे लिए भी और अपने लिए भी। सारी संगत को देख लो और मम्मी का हेलो ले लो भाई सबके सब। और आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो सब आ चुके थे, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, बट मैंने सारा काम भी किया, सब कुछ करा, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। खैर हमारे घर के बाहर ही था तो हमें कौन सा ज़्यादा दूर जाना था, ये हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि गोलू अपनी नीतू माँ जी के जाके गोदी में बैठ गई, वो डांस करने गई थी बट फिर उसका मन नहीं किया तो फिर वो वहाँ पे जाके बैठ गई उन लोगों के पास। और इसी के ना थोड़ी देर बाद जो है कीर्तन वो ख़त्म भी हो गया था, तो हम लोग घर पर आकर हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज किए थे और यहाँ पर मैं पी रही हूँ दूध, और पानी का टास्क कम्प्लीट करके हम लोग सोने चले गए। सभी को जय श्री श्याम।